ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विष्णु उत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कि मिथुन राशि में चंद्रमा ग्रह नक्षत्रों का योग किस प्रकार का बनने वाला है, चंद्रमा इत्यादि बाकी समस्त ग्रह क्या कुछ करने वाले हैं। सब ग्रहों का परिवर्तन का योग चलता ही रहता है और मिथुन राशि वालों के लिए अगस्त के अंतिम भाग में ग्रह नक्षत्र कहाँ आपको ले जा रहे हैं। 25 तारीख की हम बात करें तो रविवार का अवसर, सप्तमी तिथि उस दिन विद्यमान है। रविवार और सप्तमी का योग बड़ा ही सुंदर रहता है और इस दिन शुक्र ग्रह जो है वो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, नीच के हो जाएंगे शुक्र। शुक्र का नीच का होना कहा जाता है कि आपके चतुर्थ भाव में स्थित होकर शुक्र नीच के हो जाएंगे तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं भोग विलास में कोई कमी करने के योग बना सकते हैं। वैसे तो पंचम चतुर्थ का शुक्र वैसे ही कई बार कहा जाता है कि कार्य करता नहीं है, तो ऐसे में कोशिश ये करें गौ सेवा करने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा दूध का दान करने का प्रयास कीजिए। सप्तमी है, रविवार है, तो ये बड़ा सुंदर योग है और रविवार जो चंद्रमा है, सूर्य है, इस वक्त आपके पराक्रम वाले भाव में चल रहे हैं, तो ऐसे शुभ समय में भगवान सूर्य को जल देकर अर्घ देकर उनका आशीर्वाद लीजिए, तेज उनका ग्रहण करने का प्रयास कीजिए, अच्छा होगा और आपके विशेष तौर पर आपके उरा को कांति को बढ़ाने वाला रहेगा। सप्तमी तिथि रवि सूर्य की मानी जाती है और रविवार के दिन पड़ गई तो बड़ा सुंदर योग बन रहा है। 26 अगस्त की दिन बात करें तो ये बड़ी सुंदर तिथि है, भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी का सुंदर अवसर है और इस बार जन्माष्टमी का योग ऐसा बना है कि जो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, आमतौर पर द्वंद्व ही रहता है, समर्थों की अब है, वैष्णवों की अब है, किसी और की कब है, तो इस दिन समस्त तिथियाँ एक ही योग बना के दे रही हैं। उदया तिथि अष्टमी, रात्रि में रोहिणी युक्त सुंदर तिथि का योग बन गया है और रोहिणी युक्त जो है जन्माष्टमी बड़ा कल्याणकारी योग बनाती है। भगवान का स्तवन अवश्य करें, पूजन करें, श्रद्धा के साथ उनको झूला झुलाएं, उनका अभिषेक करें, जो कहा जाता है कि पंचामृत के द्वारा दूध दही घी इत्यादि दाल का सब पंचामृत बनाकर भगवान का अभिषेक जो सुंदर मुहूर्त में रात्रि में जब वृषभ लग्न चल रही हो तब कर लिया जाए, तो कहा व्रत करने के उपरांत पूरा दिन व्रत रखें। ये कहा जाता है कि समस्त मनोरथ मैंने प्रैक्टिकल हमने देखा है कि ऐसा कार्य संभव हो जाता है कि जो बिल्कुल दुष्कर था, कुंडली में ऐसे भयावह योग बने हुए हैं कि कुछ भी शुभ नहीं होने के योग, लेकिन ये यदि ये उपाय कर लिया जाए तो सारे उपाय एक तरफ और भगवान शंकर का सुंदर, भगवान कृष्ण का सुंदर स्तवन, वासुदेव भगवान का इस सुंदर तिथि में सुंदर मुहूर्त में यदि दूध दही घी शंख में डालकर सब पंचामृत बनाकर उसके बाद भगवान का स्तवन करते हुए ओम सहस्र श्री रेखा पुरुखः सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमि गंग सर्वतस्तिष्ठांगुलम माँ पुरुख ए वेद गंग, ये जो पुरुषूक्त के द्वारा भगवान कृष्ण का प्रियतम स्तोत्र है इसका पाठ करते हुए यदि रात्रि में भगवान का उसी वृषभ लग्न में यदि कर लिया जाए अभिषेक, तो कहा जाता है क्या करेंगे ग्रहों का दोष सब एक तरफ हो जाता है। हमने एक नहीं बहुत सारे जन्मपत्रियों को देखते हुए ऐसा देखा कि जन्मपत्र में भयावह योग थे लेकिन भगवान कृष्ण का भक्ति अनन्य भक्त था और उसके समस्त कष्ट इस जन्माष्टमी के उपाय से दूर हुए। आप भी कर सकते हैं, इसलिए समझने का हमें प्रयास करना चाहिए। इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग भी बन रहा है। मंगल महाराज जो है परिवर्तन करके मिथुन राशि में जा रहे हैं, बारहवें भाव से निकलकर आपके लग्न में आ रहे हैं। मिथुन के मंगल बड़े विचित्र योग बनाते हैं, अत्यधिक वृष्टि का योग देते हैं और ये वृष्टि जो होती है कहीं ना कहीं थोड़ी सी भारत में या पूरे इस वक्त सब जगह बहुत ज़्यादा हो रही है, हमने देखा पिछले करीब करीब 1.5 महीने से वृष्टि के योग, लेकिन अभी वृष्टि आगे भी लगातार चलने वाली है, ये योग बना रहे हैं। और मंगल इस बार बड़ा विचित्र योग एक और बन रहा है कि इस पूरे भाद्रपद मास में 5 मंगल का योग बन रहा है और ये 5 मंगल का योग शुभ नहीं होता है, अशांति का वातावरण बनाता है, महंगाई को बढ़ाने वाला वातावरण बनता है। लाल चीज़ों का संबंध विशेष तौर पर मंगल संबंधी चीज़ों में कुछ ज़्यादा भाव बढ़ने के, थोड़ा कष्ट होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, ध्यान रखना चाहिए। 27 तारीख के दिन बात करें तो मंगलवार नवमी तिथि है, बुध इस दिन उदय होने के योग बना रहे हैं और यह आपके लिए बुध का उदय होना आपकी राशि के अनुसार से बड़ा शुभ रहेगा। द्वितीय भाव में चलते हुए बुध उदय हो जाएंगे, आपकी एक नई शक्ति देने का योग बनाएंगे। अभी वक्री चल रहे हैं लेकिन बहुत जल्दी मार्गी भी होने वाले हैं, थोड़ा मंगल का उपाय जरूर कीजिएगा। मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का स्तवन करें, ओम क्रांग क्रीं क्रौंग सह भौमाय नमः इस मंत्र का जप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। 28 अगस्त की दिन बात करें, बुधवार का अवसर, दशमी तिथि, मिथुन राशि में चंद्रमा का सुंदर प्रवेश होने का योग बन रहा है और ये आपके लिए चंद्रमा का प्रवेश मिथुन राशि में होना ये आपके लिए उपयुक्त दिखाई देता है। मंगल के एग्रेसिवनेस को शांत करने के लिए बहुत ज़रूरी है, नया सोच नया विचार जो मन में आ रहा है उसको ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, इस बात को कार्य करने का हमें प्रयास करना चाहिए।
देखिए सुबह 3:45 बजे करीब करीब मिथुन में प्रवेश करेंगे, अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ मंगल भी मार्गी होने की, बुध भी मार्गी होने की तरफ जा रहे हैं, सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है, नए कार्यों का आरंभ करने का दिन अच्छा दिखाई देता है। लेकिन ध्यान रखिएगा सर्वार्थ सिद्ध योग तो 3 बजे तक है, लेकिन उसके बीच में राहु काल आरंभ हो जाएगा, तो 12:15 से 12:15 से पहले पहले ही कोई नया मुहूर्त करना हो तो उसको लाभ लेते हुए कार्य करना चाहिए। 29 अगस्त की बात करें तो बृहस्पतिवार का अवसर, एकादशी तिथि, अजा एकादशी का सुंदर योग बन रहा है और इस दिन अगस्त उदय होने जा रहे हैं। अगस्त तारा जो है वो उदय होने जा रहा है, कहा जाता है अगस्त पंथ जल शोषा, वृष्टि का योग चल रहा है लगातार, और अभी ये मंगल जब तक मिथुन में रहेंगे तब तक वृष्टि का योग चलेगा ही, लेकिन थोड़े से उसमें राहत दे सकता है अगस्त तारे के उदय होना, ये कहा जाता है। अजा एकादशी है, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझा जाए तो आपके लिए मंगल इन दिनों थोड़ा सा कष्ट में, बृहस्पति महाराज जो है वो 12वें भाव में बैठे हैं, अननेसेसरी का जुर्माना होने का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, तो भगवान विष्णु का पूजन, पीली चीज़ों का उन्हें समर्पण, विशेषतः पीले पुष्प में अर्पित करना, केले का दान करना, ये सब उपाय करिएगा अच्छा रहेगा। 30 अगस्त के दिन बात करें, शुक्रवार का अवसर, द्वादशी तिथि है और ग्रह नक्षत्रों को दृष्टिकोण समझें, शुक्रवार के दिन द्वादशी का सुंदर योग बन रहा है, ये शुक्र ग्रह इन दिनों चल रहे हैं थोड़े से कमजोर अवस्था और आपकी राशि के अनुसार चतुर्भाव में चलते हुए शुक्र को शक्ति देने की आवश्यकता है, बहुत जरूरी, नहीं तो ये कहीं ना कहीं जीवन के आनंद में कमी लाने का योग बना देते हैं। और ग्रह नक्षत्रों का जो परिवर्तन का योग चल रहा है वो उठापटक दे ही रहा है, तो ऐसे में गोवत्स पूजन, गौशाला में जाकर गाय के बछड़े को गुड़ खिलाना, ये बड़ा सुंदर उपाय है, इसको कर लीजिए लाभ होगा। 31 अगस्त शनिवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि और शनि प्रदोष का योग बन रहा है, कि शनि प्रदोष का योग आपकी राशि के अनुसार समझें, भाग्य में चलते हुए शनि वक्री अवस्था में चल रहे हैं, आपके भाग्य में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमजोरी देने के योग बना रहे हैं, और देव योग से 15 दिन के अंदर दोबारा शनि प्रदोष का योग बन गया है। और पिछली बार हमने कहा था कि शनि प्रदोष के दिन भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए तिल के द्वारा, भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए तेल के द्वारा, यदि शत्रु बाधा पहुंचा रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स परेशान कर रहे हैं तो तेल के द्वारा भगवान का अभिषेक कीजिए। यदि आपके कुछ ना कुछ शनि का वैसे दोष चल रहा है संसार में, थोड़ा सा आपके लिए शनि अंधकारमय वातावरण बना रहा है, भाग्य को पीछे खींचता दिखाई दे रहा है, तो तिल को थोड़ा जल में डालकर उसके द्वारा भगवान का अभिषेक करने का प्रयास कीजिए, देव कृपा से रास्ता प्राप्त होगा। तिल साक्षात भगवान विष्णु के शरीर से ही उत्पन्न हुए हैं, और कहा जाता है कि भगवान विष्णु की कृपा से शनि के दोष हरने के लिए सुंदर उपाय करने से कल्याण के योग बन जाते हैं, तो शनि प्रदोष को खाली मत जाने दीजिए, अपने नाम से रुद्राभिषेक कराएं तिल के द्वारा और तिलोदक के द्वारा, तो भगवान शंकर की कृपा से शनि के समस्त दोष दूर होने के योग बनेंगे। देखिए ज्योतिष विज्ञान ग्रह नक्षत्रों को, गणनाओं को करने के उपरांत चीज़ों को सैद्धांतिक तौर पर समझने का प्रयास करता है, उसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार का होने वाला है। सहस्त्रों वर्षों से ज्योतिष के जो सिद्धांत हैं वो वास्तविक तौर पर बड़े अद्भुत रूप से सत्य साबित होते हैं। देखिए ज्योतिष एक बहुत वृहद विज्ञान है, यहाँ हम आपके समक्ष जो उपस्थित होते हैं केवल राशि के अनुसार से हम इस वार्ता को उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। ज्योतिष में नक्षत्र के साथ भी विंशोत्तरी महादशाएं इत्यादि, आपकी जन्मपत्री, उसकी सहस्त्रों, अलग अलग विभाग, उन सब पर यदि विवेचना पूरी तरह से की जाए तो बिल्कुल चमत्कारिक परिवर्तन को समझना बहुत आसानी से जीवन उस सत्य को समझा जा सकता है। तो यहाँ ज्योतिष में राशि विज्ञान के माध्यम से भी बहुत कुछ गोचर के दृष्टिकोण से बहुत कुछ समझ में आने के रास्ते बनते हैं, तो बहुत सारे लोग जो तथाकथित तौर पर इस बात को आक्षेपित करने का प्रयास करते हैं कि राशि के अनुसार से पूरे विश्व को विभाजित करना ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है। राशि के अनुसार से गोचर को समझना बड़ा एक सीधा साधा सिद्धांत है, और गोचर के प्रेडिक्शंस ज्योतिष में जब भी किए जाते हैं राशि के अनुसार से ही किए जाते हैं। हाँ, इसमें एक विवाद ये हो जाता है कि आपकी जन्मपत्री में कौन सा भाव सही ज्यादा है, राशि वाला या लग्न वाला, उसमें जन्मपत्री देखने की आवश्यकता होती है कि जन्मपत्री में किस कारण से कौन सी चीज फलीभूत हो रही है, राशि या लग्न या सूर्य कुंडली या कौन से और कार्यकांश के इत्यादि बहुत सारी जो अलग अलग चार्ट बनते हैं उन सबको भी देखना परम आवश्यक होता है। ज्योतिष बहुत वृहद, जैसा हमने कहा बहुत वृहद है, इसको इतनी छोटे से लेवल पर समझना या इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर देना ये ठीक नहीं है, लेकिन इसको वृहद रूप से वर्णन किया जा सकता है बहुत बढ़िया तरीके से नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, नक्षत्र किस, कौन सा ग्रह किस नक्षत्र के कौन से चरण में है, उन सबके द्वारा भी ज्योतिष को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। ये जो हमने आपके समक्ष राशि का पूरा व्याख्यान उपस्थित किया है ये बिल्कुल गोचर के सिद्धांत पर सत्य है, और इसको समझते हुए यदि हम अपने जीवन को सही दिशा में देने का प्रयास करेंगे तो उससे बहुत बड़े अद्भुत रूप से सहायता प्राप्त होने के योग बन जाते हैं।
ज्योतिष के अंतर्गत विभिन्न उपायों को भी शास्त्र में बताया जाता है। हम इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष टोटकों से बचने के अलावा बहुत सारे जो पौराणिक उपाय हैं उनको ही बताने का प्रयास करते हैं। पंचांग यदि आप देखें तो नित्य प्रति उसके अंदर कोई ना कोई उत्सव, कोई ना कोई जो त्यौहार आता ही रहता है, और उन त्यौहारों को हम सीधे सारे तरीके से ऐसा ना समझें कि वो केवल त्यौहार हैं। वो वास्तविक तौर पर ज्योतिष के सिद्धांतिक तौर पर पौराणिक मत के अनुसार से वो वास्तविक तौर पर वो चाबियाँ हैं कि जिनको आप यदि लगा लें तो घड़ी गाड़ी को आप आगे ले जा सकते हैं, बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं सीधी साधे तरीके से। आज हम बहुत सारे चैनल्स पे बहुत सारे व्यक्तियों को सुनते हैं, जगह जगह पर अनेक प्रकार के ऐसे उल्टे सीधे उपाय लोगों को बताने का प्रयास करते हैं कि मतलब बड़ा विचित्र लगता है कि क्या इसमें पौराणिक मत है या ज्योतिष का मत है या नहीं भी है। तो कोशिश ये करें आप सब लोग उस ज्योतिष के विज्ञान को सही से समझें, और विवेकानंद योगाश्रम इसमें करीब करीब पिछले 60-70 सालों से कार्य कर रहा है, और दिल्ली में एक बड़ा संस्थान हमने जो अपने पिता श्री आचार्य श्री केशवदेव जी के सानिध्य में बनाया गया, उसमें आज भी हम उसी प्रकार से नित्य प्रति शोध कर विभिन्न शास्त्रों के मत को उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। समय समय पर बहुत सारे ग्रंथों की रचना भी करते हैं। आज तक हमारे विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से करीब करीब 100 के आसपास पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं, और उन सब में चाहे वो मुद्रा विज्ञान के संबंध में हो, चाहे वो यज्ञ विज्ञान के संबंध में हो, चाहे वो ज्योतिष के संबंध में हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी के संबंध में हो, या वो ध्यान योग के ऊपर हो, या चिकित्सा पद्धति के ऊपर हो, योग प्राकृतिक चिकित्सा इत्यादि, आयुर्वेद इत्यादि पर, तो इन सब चीज़ों को ज्योतिष के माध्यम से जोड़ते हुए हमने व्याख्या देने का प्रयास किया है। अनादिकाल में ज्योतिष का जो वैद्य चिकित्सा शास्त्र जो आयुर्वेद इत्यादि हैं वो भी ज्योतिष से ही इंटर रिलेटेड है, उसमें औषधि विज्ञान ज्योतिष का एक भाग है, और उसके अंतर्गत आकर आप समझ सकते हैं कि विभिन्न औषधियों के द्वारा विभिन्न इलाज जो किए जाते हैं विभिन्न मुहूर्तों में किए जाते हैं वो सब भी बहुत अद्भुत हैं। उस पर पूरी शोध करने की आवश्यकता है। पूरे विश्व में लोग आज मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर कार्य कर रहे हैं और उनके रिसर्च बड़े ऑथेंटिक रहते हैं। तो आप भी ज्योतिष विज्ञान को समझें। विवेकानंद योगाश्रम जैसा हमने कहा कि इस क्षेत्र में एक अद्भुत प्रकार से कार्य कर ही रहा है। एक संस्थान बनाया हमने जो उसमें हॉस्पिटल है पूरा, करीब करीब 100 बेड का, योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद के ऊपर, और साथ साथ भगवती का सुंदर मंदिर विद्यमान है। जो भगवती की दिव्य प्रतिमा यहाँ रहती है उनके सानिध्य में बैठकर नित्य प्रति करीब 8 घंटे यज्ञ चलता है, और समय समय पर हम विभिन्न जो उत्सव चल रहे होते हैं उनके बारे में आपको अवगत कराते ही रहते हैं। तो जुड़िए विवेकानंद योगाश्रम से, हमारे इस संस्थान के द्वारा विभिन्न योग के संबंध में, आयुर्वेद के संबंध में, यज्ञ विज्ञान के संबंध में और चिकित्सा विज्ञान के संबंध में बहुत अद्भुत खोज की गई। मुद्रा विज्ञान उसमें से ही एक है कि मुद्राओं के द्वारा कैसे विभिन्न रोग ठीक कर सकते हैं, कैसे बहुत सारी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। हृदय रोग इतना भयावह पूरे विश्व में आज पहुँच चुका है, घर घर में लोग छोटी छोटी उम्र में हृदय रोग से ग्रसित हो रहे हैं, तो उसके लिए संबंध में ये मृत संजीवनी मुद्रा 3 सेकंड के अंदर फर्स्ट एड दे देती है। चलते फिरते उठते बैठते कभी भी इन मुद्राओं को आप कर सकते हैं। आज की तारीख में स्ट्रेस एक ऐसा लेवल है कि हर दूसरे घर में कोई ना कोई स्ट्रेस से ग्रसित रहता है, हर एज में, छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध तक, स्त्री से लेकर पुरुष तक, सब लोग कहीं ना कहीं अननेसेसरी स्ट्रेस में चल रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ज्ञान मुद्रा है, पहली उंगली अंगूठे के साथ लगाकर देखिए, ये अद्भुत कार्य करती है। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश भी इसी मुद्रा में दिया, प्रपन्न पारे जाता है तोत्र वेत्रे पाणय ज्ञान मुद्राए कृष्णाए गीतामृतवे नमः। तो ये मुद्रा जो है बहुत शांत तरीके से, और आपके बहुत सारे ग्रहों के उपाय भी इन हाथों की विभिन्न मुद्राओं के द्वारा हो सकते हैं। शनि यदि अशुभ प्रभाव कर रहे हों और शनि का शुभ प्रभाव ना हो रहा हो, तो ये मुद्रा, ये सबसे बड़ी उंगली को अंगूठे के बेस पे लगाकर ये शनि मुद्रा का अभ्यास कर लिया जाए तो शनि का नेगेटिव प्रभाव कम हो जाता है। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति आपको पूर्ण फल नहीं दे रहा है और आपको ज्योतिषी महाराज कह रहे हैं कि भाई आप, या कोई ज्योतिष विज्ञान के जानने वाले लोग कहते हैं कि आप पुखराज पहन लीजिए, आप केवल ज्ञान मुद्रा का अभ्यास कर लीजिए, पहली उंगली अंगूठे के साथ इस मुद्रा को अभ्यास करने का प्रयास कीजिए, देखिएगा बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपको धीरे 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 पॉजिटिव वे में मिलना शुरू हो जाएगा, किसी और बाह्य चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसी प्रकार से विभिन्न ग्रहों के उपाय करने के लिए विभिन्न जो भारतीय संस्कृति में चीज़ें बताई गई हैं वो हम समय समय पर अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित करते रहते हैं। तो आप भी हमारे इस आश्रम पे विभिन्न जो कार्यक्रम रहते हैं उसमें जुड़ सकते हैं, उनके बारे में समस्त समय पर सूचना हम आपको देते हैं। तो यदि किसी को पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है या पर्सनल आश्रम में आना है, तो हर रविवार को एक बड़ा कार्यक्रम रहता है सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, तो उसमें यज्ञ, भगवती का स्तवन, विभिन्न रामायण इत्यादि का पाठ और अध्याय और ध्यान योग का भी अभ्यास हमारे आश्रम में कराया जाता है। आप यहाँ जुड़ सकते हैं, फोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं।